हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, मैं कोई रेसिपी ना ही शेयर कर रही हूँ, और मैंने रेसिपी का वीडियो चला गया है, और मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ प्रिया दीदी के बारे में। और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, जबकि मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, तो मैंने सब कुछ उन्हीं से सीखा हुआ है और मैं उन्हीं से इंस्पायर हूँ। बट इतना है, वो मेकअप का वीडियो डालती हैं, और अभी बहुत पहले से उन्होंने ब्लॉगर का भी डाल दिया है, ब्लॉगिंग भी करती हैं वो घर का। तो मैं इतना सोची ना, मेरे पास तभी फ़ोन भी नहीं थे जब मैं दी का चैनल देखती थी, मैं जानवी के पापा के मोबाइल से देखती थी। मेरे पास फ़ोन नहीं थे, मेरे पास छोटे वाले फ़ोन थे जो कि जियो का रहता है डब्बा फ़ोन, तो वही मेरे पास था, और मैं जानवी के पापा के मोबाइल से देखती थी। तब से मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, करीबन 1.5 साल हो गया, और उनकी कोई वीडियो वायरल हुई थी तो तभी से मैंने देखा उनका फर्स्ट टाइम, और यूट्यूब ऐसे ही देख रही थी। तो तभी से ना मुझे इतना पसंद आने लगा दीदी का हर एक वीडियो कि मैं हर रोज़ का फ़ोन मांग कर देखती थी। जानवी के पापा खाना खाने आते थे 2 बजे और फिर चले जाते थे, जानवी को 6 बजे लेके आते थे, तो मैं इतना टाइम उनका फ़ोन लेके रहती थी। मैं बोलती थी शाम को आओगे तो लेके जाना, मैं जानवी के पापा का मोबाइल लेकर देखती थी। तो ये सब तो बात हो गई साइड में, लेकिन आज ना दीदी बहुत ही टेंशन में है, और बहुत ज़्यादा टेंशन में है उन्होंने। और वो गई थी ना, वो अपने गांव में ही है, ससुराल में है, गांव उनका यूपी है जहाँ हमारा है, और मेरा और उनका कुछ ही दूरी है मुझे जहाँ तक पता है। दी अपना गांव बताई है प्रतापगढ़, और मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैंने दी को देखा नहीं है, मैंने दी को देखा है विजेतुआ, जो कि वहाँ पर महावीर बोलते हैं, और देखो मैंने वहाँ पर वीडियो में देखा है, और मैं भी वहाँ पर कई बार गई हूँ। तब से मैं यही सोचती हूँ कि कब दीदी से मुलाकात होगी, भगवान ने चाहा तो मैं ज़रूर देखो देखूँगी और उनसे मिलूँगी। और मैं बता देना चाहती हूँ, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मैं भी आपको बोल रही हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। आप में मेरे में बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, और फिर भी मैं आपके साथ हूँ। साथ के लिए पैसे की बात नहीं होती है, हिम्मत की बात होती है, और मेरे में इतना हिम्मत है दी, मैं आपके साथ हूँ। और दी को किसी ने धमकी दे रही है, और वो है DSP की औरत, वो अपने आप को बता रही, मैं DSP की बीबी हूँ। तो चलिए ठीक है, आप DSP की बीबी हैं मानते हैं, तो क्या आप किसी का जीना बंद कर देंगे, जीना रोक देंगे? अगर कोई अपने एमरजेंसी सामान के लिए बाहर गया है, और हर एक लेडीज़ की एमरजेंसी सामान बहुत ज़रूरी होती है, सबको पता है, आप भी लेडीज़ हो, आपको भी पता है, फिर क्यों यार दूसरे के बीच में इतना दखलंदाजी करते हो, और वो भी इतने धमकी के साथ। दी जहाँ पर गई थी अपना सामान लेने, तो वहाँ पर अगर चूड़ियाँ मिल रही हैं, बिंदी मिल रही हैं, नेल पेंट मिल रहा है, तो उन्होंने वो भी ले लिया, तो उसने क्या गलत कर दिया? उन्होंने तो पूरा मतलब अपना केयर करके गए थे, अपनी जेठानी को लेके और अपनी बेटी को लेके, तो क्या हो गया? वो अकेले तो जा नहीं सकते, उनसे बड़े हैं, उनकी जेठानी उनकी फैमिली है, तो जैसे उनको ज़रूरतमंद सामान लेना है, उनको भी तो लेना है ना, तो वो भी अपने पसंद का ले लेंगी। दी ने सोचकर, यही सोचकर साथ में लेके गए, तो क्या हुआ? और दी ने पायल भी लिया है, जो कि बोला है कि मेरा सालों पुराना सपना मेरे ससुर जी से पूरा हुआ है। तो दी ने पायल लिया हुआ है, और पायल का डिज़ाइन मैं बता देना चाहती हूँ, बहुत अच्छा है, काफ़ी पसंद है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो दी ने बोल रही है कि पायल वो गाड़ी के अंदर ही ली है, सोनार का घर रास्ते में ही पड़ता है, तो वो गाड़ी के अंदर ही कई डिज़ाइन लेके आए थे, दी को वही पसंद आया, वही दी। मैं तो यहाँ तक बोलती हूँ, दी अगर बाहर भी उतर के ले लेती तो क्या हो जाता? ग्रीन जोन में वहाँ पर एक भी पेशेंट नहीं है, तो तभी ना दी गई है। और मैं देखती हूँ, मैं उनका वीडियो देखती हूँ, मुझे पता है दी में जितना नॉलेज है ना, उतना बहुत कम ही लोग में होगा, बहुत कम लोग में होगा, मैं बता देना चाहती हूँ सीधे सीधे। और मैं उनको फॉलो करती हूँ ना, तो मैं उनको बहुत अच्छे से जान रही हूँ, और वो कैसी हैं मैं उनकी सब चीज़ समझ के, उनकी अच्छाइयाँ, उनमें इतनी अच्छाइयाँ कूट कूट कर भरी हुई है ना, कि कोई सोच भी नहीं सकता। और इतने नेगेटिव लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, इतना नेगेटिव कमेंट करने के लिए, पूरा वीडियो देखेंगे नहीं और बीच में ही टपक पड़ते हैं अपना बात लेकर, क्यों यार? अगर ऐसा बोलना ही हो ना, तो पूरा वीडियो देख लीजिए, अगर उसमें कुछ गलती है तो बोलिए ना,
दी ने तो कोई गलत काम नहीं किया है, जो सामान लेना था उन्हें उन्होंने ले लिया, और जब और भी जो उनके पास नहीं था वहाँ पर मिल रहा था तो वो भी ले ली। मैं बता देना चाहती हूँ, वो अपना और अपने फैमिली का बहुत अच्छे से केयर करती हैं, और हर कोई अपने फैमिली का केयर करता है। कोई जानबूझकर तो कोरोना जहाँ पॉजिटिव रहेगा तो जहाँ रेड जोन रहेगा वहाँ पर कोई जाएगा नहीं, जब वहाँ पर कुछ भी नहीं है तो वो गई तो फिर किसी का क्या चला जा रहा है, इतना धमकी क्यों दे रहे हैं ये लोग, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। तो कोई नहीं, लेकिन दी बहुत अपसेट हो गई है, और दी को भी और उनकी जो है भाभी उनको भी वो सब उल्टा सीधा सुना रहे हैं। मैं उनको भी फॉलो करती हूँ, भाभी को भी, उनको भी मैं देखती हूँ। दो बच्चे हैं अभी, एक छोटा बेबी बॉय है और बहुत क्यूट है, तो उन्होंने दोनों बच्चों को संभाला है, और उनकी जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, वो सबके साथ मिलकर रह रही हैं, और उनको बोलते हैं कि इनको बात करने का ढंग नहीं है। बात करने का क्यों नहीं ढंग है, वो गाँव की है, कभी शहर गई नहीं है, गाँव की है, उतना बात कर रही उतना ही बहुत है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे से बात करती हैं भाभी। गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं ना, हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती है, तो क्या आप लोग जाकर सिखा दोगे या फिर उनको गांव से शहर पहुंचा दोगे? दी है, दी अपना एयरिंग पहनती है, झुमकी है उनका, झुमका है और मंगलसूत्र पहनती, उसके लिए भी कितने लोग बवाल खड़े करते हैं कि ये क्यों पहनती हो, दिखावा करती हो। दिखावा की क्या बात है यार, वो तो लखनऊ से चली गई है यूपी, और यूपी में उनका सामान नहीं है, लखनऊ में ही रहता है, जो उनके पास था वो लेके गई, पहनी है वो अपने अपने बदन पे रखी, वो छोटा हो या बड़ा हो, तुम तो अपने कान में लटकाए नहीं हो गले में कि तुम्हें तकलीफ़ हो रहा है, जो पहना है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो तुम लोग को कहीं के लिए प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ चलो ठीक है भैया, जो महंगे पहने हैं, बड़े पहने हैं, उनको उतरवाने के लिए तुम लोग को इतनी जल्दी पड़ी है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो कोई नहीं पहना है उसको एक बार जाके देने की काम करो, तब तुम लोग की हिम्मत मैं भी देखूँ। बोलते दिखावा करते हैं, जिसके पास रहेगा इंसान लेता क्यों है, पहनने के ही लिए लेता है ना, उसको रख के देखने के लिए नहीं लेता है, पहनने के लिए, यूज़ करने के लिए लेता है। अगर सिर्फ देखने की रही बात ना, तो जहाँ पर मिलता है वहीं पर जाके देखकर चले आएंगे, लेंगे नहीं उसको। कैसे कैसे लोग हैं और कैसे कैसे सोच है ये समझ में नहीं आता, इतना नेगेटिव लोग कैसे हो सकते हैं यार। और मैं तो अभी बहुत छोटी सी हूँ, आज नहीं कल भगवान ने चाहा तो मैं भी आगे जाऊँगी, और मुझे जहाँ तक लग रहा है आज तो मैं छोटी हूँ। कुछ लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, आधा देखते हैं, देखते भी नहीं है, लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट कर देते हैं, दूसरा कोई लाइक करेगा तो बोलेंगे फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट, चलो ठीक है। लेकिन कल का अगर मैं भी ऐसे ही आगे बढ़ गई तो मेरे पीछे भी ऐसे सवाल खड़े करने वाले बहुत से लोग आएंगे, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं सब एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हैं, क्यों यार, इसमें किसी का कुछ तो जा नहीं रहा है। हाँ चलो भाई, मैं बड़ी हूँ तुम छोटी हो तो मैं तुमसे कुछ ले रही हूँ, या तुम बड़ी हो मैं छोटी हूँ मैं तुमसे कुछ ले रही हूँ, नहीं ना, सब अपना मेहनत कर रहे हैं, और दी कितना मेहनत की है, कितना स्ट्रगल की है, तब उन्होंने आज यहाँ से यहाँ पहुँचा है, और कहाँ पहुँचा है दी ने, आज 3 साल से उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, 3.5 साल से, ये सब कोई देखने नहीं आता। दी कितना मेहनत करती हैं, और उनको कुछ भी आता है एड के लिए तो वो भी देखेंगे, बोलेंगे फ्री का सामान, फ्री का सामान कहाँ से हुआ, वो कितना मेहनत करती है, वो कोई देखने जाता है क्या? अभी हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, मुझे तो इतना मेकअप के बारे में नॉलेज नहीं, मैं कहीं पर भी जाती हूँ थोड़ा सा मेकअप करने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, और वो इतना हैवी मेकअप करने में कितना टाइम उनको लगता है, कितना मेहनत लगता है, और इतने गर्मी में सोचो वो कैसे करती हैं। तो दी मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं आपके साथ हूँ, और मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था मैं किसी के ऊपर वीडियो बनाऊँगी, और पता नहीं ये मैं अच्छा कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ, मुझे भी समझ में नहीं है, और मतलब मेरे अंदर जो है मैं वही निकाल रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और मतलब यही होता है ना, अगर किसी को चाहो और कोई इतना परेशान हो ना तो किसी से बर्दाश्त नहीं होगा, मेरे घर में अगर किसी को कोई ऐसा बोले तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, वैसे ही वो मेरे समझो तो मेरे घर की ही है, मैं उनको सब कुछ मानती हूँ, मैं उनको मेरी बड़ी बहन मानती हूँ, और मुझे जहाँ तक लगता है वो मेरे से बड़ी हैं,
तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोग को समझ में आया हो मैं क्या कहना चाहती हूँ तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्रिया दी का आप लोग साथ दीजिए बस, ताकि आज जैसे उनके साथ हो रहा है कल हम लोग के भी साथ ना हो, कल आपके साथ भी ना हो। ऐसे लोग जो नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, उन लोग का मुंह तो बंद करना ही पड़ेगा। इसके लिए साथ मिलकर रहना पड़ेगा और साथ मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दी का साथ दीजिए। मैं मिलूँगी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के साथ।